खबर जयपुर से है, जहां सड़क यातायात पीड़ितों के लिए मुस्कान फाउंडेशन की ओर से जवाहर कला केंद्र में संयुक्त राष्ट्र विश्व स्मरण दिवस मनाया गया। सड़कों पर अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 45 स्कूलों के 500 बच्चे और कई गैर सरकारी संगठन इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में चैनल है डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रबोध भसीन और डॉक्टर मृदुल भसीन, जिन्होंने अपनी बेटी दुर्वा भसीन की याद में सड़क सुरक्षा के लिए मुस्कान फाउंडेशन की स्थापना की है, जो कि सड़क पर सुरक्षित व्यवहार के बारे में जागरूकता प्रदान करता है। हालांकि विश्व स्मरण दिवस दुनिया भर में नवंबर के हर तीसरे रविवार को मनाया जाता है, इस साल मुस्कान फाउंडेशन ने इसे 21 नवंबर को मनाया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज पद्मश्री अवनी लेखरा और निशा सिद्धू के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों से बातचीत की, जिन्होंने वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट प्रयोग करने के बारे में बताया। इस दौरान CID फेम डॉक्टर सालुखे अभिनेता नरेंद्र गुप्ता ने युवाओं से संवाद किया। ये एक्चुअली आज का दिन जो है ये स्मृति दिवस है, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से चिन्हित है ये एज इन मेमोरी ऑफ दोज पीपल हु हैव डाइड एंड लॉस्ट देयर लाइव्स ऑन द रोड्स और हैव रिसीव्ड ग्रीवियस इंजरीज। सो दिस इज़ अ वे टू होल्ड देयर हैंड्स एंड टू टेल देम कि हम आपके साथ हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इससे आगे जाकर हम ये देखते हैं कि आज के दिन हम कुछ ऐसे पॉजिटिव एक्शन शुरू करें और उन्हें जिंदगी ताज़िंदगी बना के रखें। एक शपथ ले सकते हैं कि हम ट्रैफिक रूल्स को नहीं तोड़ेंगे, न केवल वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं बल्कि वो किसी और का जीवन भी जेपरडाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक संदेश है जो आज के दिन हम लेंगे।